हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी स्कूल। टुडे आई विल टीच यू क्लास सेकंड इंग्लिश यूनिट वन चैप्टर टू हल्दीज एडवेंचर। सो चिल्ड्रन, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर हल्दीज एडवेंचर। एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य, हल्दी का साहसिक कार्य। आप इस पिक्चर में ये लड़की को देख सकते हैं। इस लड़की का नाम है हल्दी और ये है जिराफ। अब हम हल्दी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। One morning as Haldi walked to school, she met a giraffe. एक सुबह जब हल्दी स्कूल जा रही थी, she met a giraffe. वह एक जिराफ से मिली। ये पिक्चर में जो आपको जिराफ दिखाई दे रहा है, तो हल्दी इस जिराफ से मिली। The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. जो जिराफ था उसने big glasses पहन रखे थे। आप देख सकते हैं इसने चश्मा पहना हुआ है। And held a book in his hand. और अपने हाथ में एक बुक पकड़ रखी थी। He smiled and said, "Good morning, Haldi." वह मुस्कराया और बोला, "Good morning, Haldi." Haldi looked up at him. "I am sorry to stare," she said, "but I have never met a giraffe like you." Haldi ने देखा, जिराफ की ओर देखा। "I am sorry to stare." मैं माफ़ी चाहती हूँ, to stare तुम्हें घूरने के लिए। Stare means होता है घूरना। She said, वह बोली, मैं माफ़ी चाहती हूँ तुम्हें देर तक देखने के लिए या फिर घूरने के लिए, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू, पर मैं कभी भी तुम्हारे जैसे जिराफ से नहीं मिली। माई नेम इज स्माइली, सेड द जिराफ। जिराफ ने बोला, मेरा नाम स्माइली है। वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल, तुम जब भी मुझे देखोगी तो तुम स्माइल करोगी। हल्दी वॉज सरप्राइज एंड हैप्पी टू। हल्दी आश्चर्यचकित थी और खुश भी। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये जिराफ क्या है, बोल भी रहा है, तो उसे खुशी भी हो रही थी। तब हल्दी वॉज सरप्राइज एंड हैप्पी टू। देन सी रिमेम्बर्ड, तभी उसे याद आया, दैट सी वुड बी लेट फॉर स्कूल, कि वह स्कूल के लिए लेट हो रही थी। सो सी सेड टू द जिराफ, आई वुड लव टू टॉक टू यू, बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। तो वो जिराफ से बोली, I would love to talk to you, मुझे तुमसे बात करने में खुशी होगी, but I must rush to school, मुझे जल्दी स्कूल जाना पड़ेगा और I will be late, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी, मुझे देर हो जाएगी। The giraffe said, not if you ride on my back. जिराफ बोला, नहीं, अगर तुम मेरी पीठ में बैठोगी तो तुम्हें देर नहीं होगी। If you climb on my back, I will run so fast that you will feel you are flying to school. तो जिराफ बोल रहा है, अगर तुम मेरी पीठ में चढ़ोगी, क्लाइम मीन्स चढ़ना, तुम चढ़कर मेरी पीठ में बैठोगी, आई विल रन सो फास्ट, और मैं तेज दौड़ूंगा, दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, तब तुम्हें फील होगा कि तुम उड़कर स्कूल जा रही हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम रोज़ स्कूल जाती हो? येस, सेट हल्दी। हल्दी ने बोला, हाँ, आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूजडेज, वेडनसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। हल्दी बोलती है, मैं मंडेज को जाती हूँ, जितने भी मंथ में मंडे आते हैं वो सारे मंडेज को जाती हूँ, ट्यूजडेज, वेडनसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज रोज़ स्कूल जाती हूँ। ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल, और सैटरडे को मैं स्कूल में गेम्स खेलती हूँ, या सैटरडे को हमारे स्कूल में गेम्स होते हैं तो मैं गेम्स खेलती हूँ। वट डू यू डू इन स्कूल, आस्क द जिराफ। जिराफ ने बोला, तुम स्कूल में क्या करती हो? आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। आई लर्न, मैं सीखती हूँ अबाउट द स्टार्स, स्टार्स के बारे में, द ट्रीज, ट्रीज के बारे में, बर्ड्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। मैं स्टार्स, ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में सीखती हूँ। दैट इज़ गुड, सेड द जिराफ। जिराफ ने बोला, यह अच्छा है। आई लव बुक्स टू, मुझे भी बुक्स पसंद हैं। दे आर लॉट्स ऑफ फन, ये बहुत मज़ेदार होती हैं। नाउ जम्प ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल, अब मेरी पीठ में उछल कर बैठ जाओ, आई विल टेक टू यू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊँगा। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक, उसके बाद हल्दी उछल कर जिराफ की पीठ में बैठ गई। And found that she could see so many things from the top. तब उसने पाया कि वो टॉप से, ऊपर से जब जिराफ की पीठ में बैठी थी तो ऊपर से बहुत सारी चीज़ों को देख पा रही थी। Could see so many things बहुत सारी चीज़ों को from the top, टॉप से, ऊपर से वो बहुत सारी चीज़ों को देख पा रही थी। And before she knew it,
सी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड. इससे पहले, बिफोर मीन्स पहले, सी न्यू, वह जान पाती कि ये क्या है, वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं. तो सी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड, वो स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच चुकी थी. रीच्ड मीन्स पहुंचना, पहुंच चुकी थी. रीच मीन्स पहुंचना, रीच्ड पहुंच चुकी थी. सी हैड रीच द स्कूल प्लेग्राउंड, वो स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच चुकी थी. सी क्लाइम्ड डाउन, वो नीचे उतरी. व्हेन सी टर्न्ड बैक टू थैंक द जिराफ, जब उसने पीछे मुड़कर जिराफ को थैंक कहना चाहा. सी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे, उसने देखा कि वह दूर जा चुका था. हल्दी जिराफ को थैंक यू कहना चाहती थी क्योंकि वह उसकी पीठ में बैठकर जल्दी से स्कूल पहुंच गई थी, पर उसने देखा कि जिराफ तो वहां पर है ही नहीं और वो जिराफ जा चुका है. ओह हल्दी थॉट, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड. हल्दी सोचती है, अरे व्हाट अ वंडरफुल, कैसा आश्चर्यचकित कर देने वाला या हैरान कर देने वाला एडवेंचर, साहसिक काम आई हैव हैड, मैंने किया या मुझे मिला. सो चिल्ड्रन, हल्दीज एडवेंचर में हल्दी के थ्रू राइटर ने बताया है कि बच्चे क्या क्या कल्पनाएं करते हैं. आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे. सो इस चैप्टर में हमने हल्दी के बारे में जाना कि वह स्कूल जाते हुए क्या क्या सोचती है. अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे. morning, मॉर्निंग, walked, वॉकड, giraffe, जिराफ, SES glasses, LED smiled, LOOKED looked, SORY sorry, STRE stare, SMILEY smiling, WHENEVER whenever, SURPRISED surprised, REMEMBERED remembered, FLYING flying, MONDAYS Mondays, TUESDAYS Tuesdays, WEDNESDAYS Wednesdays, THURSDAYS Thursdays, FRIDAYS Fridays, Saturdays, SATURDAYS Saturdays, RACHED reached, PLAYGROUND playground, WONDERFUL wonderful, ADVENTURE adventure. अब आपको सारी स्पेलिंग्स लर्न करनी है. अब कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जिराफ, सरप्राइज्ड, एडवेंचर, वंडरफुल एंड प्लेग्राउंड. अब हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे. सरप्राइज्ड मीन्स स्ट्रक विथ वंडर, हिंदी में आश्चर्य, हैरान. स्ट्रक मीन्स हक्का बक्का रह जाना, जैसे हल्दी जिराफ को देख के हक्की बक्की रह गई थी, तो स्ट्रक मीन्स हक्का बक्का. रिमेम्बर्ड, केम इन माइंड अगेन, याद आया. रिमेम्बर्ड मीन्स याद आना. लेट, नॉट ऑन टाइम, देर, विलंब. रश, टू रन फास्ट, भागना. राइड, टू सिट ऑन एन एनिमल और बाइक, साइकिल एक्सेट्रा, सवारी. राइड मीन्स होता है किसी के ऊपर जब हम सवारी करते हैं, या कोई एनिमल या बाइक, साइकिल या कोई और व्हीकल, तो उसे बोलते हैं राइड. क्लाइम, टू मूव अपवर्ड्स बाय यूजिंग हैंड. चढ़ना, क्लाइम मीन्स चढ़ना. एडवेंचर, एक्साइटिंग एक्टिविटी, साहसिक कार्य. वंडरफुल, अमेजिंग, अद्भुत. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन नंबर वन, वेयर वॉज हल्दी गोइंग, हल्दी कहाँ जा रही थी. आंसर, हल्दी वॉज गोइंग टू हर स्कूल, हल्दी अपने स्कूल जा रही थी. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, हल्दी जिराफ को क्यों घूर रही थी. आंसर, हल्दी स्टेयर्ड एट द जिराफ बिकॉज सी नेवर हैड सीन सच अ स्ट्रेंज जिराफ. हल्दी जिराफ को घूर रही थी क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा अनोखा जिराफ नहीं देखा था. स्ट्रेंज मीन्स अनोखा. क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड सी रीच स्कूल, वह स्कूल कैसे पहुंची. आंसर, सी रीच्ड स्कूल बाय राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द जिराफ, वह जिराफ की पीठ में बैठकर स्कूल पहुंची. नेक्स्ट है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो. तो यहाँ पर टीचर बच्चों से बात करती हैं कि आप स्कूल कैसे जाते हो. तो आई गो टू स्कूल इन अ बस, मैं स्कूल बस में जाता हूँ या जाती हूँ. और आंसर में हम और चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे इन अ वैन,
विद माय पेरेंट्स, तो आप जैसे स्कूल जाते होंगे वैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू वियर टू स्कूल, आप स्कूल के लिए क्या पहनते हैं। आंसर, आई वियर माय स्कूल यूनिफॉर्म टू स्कूल, मैं स्कूल के लिए अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनता हूँ या पहनती हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री, हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल, टॉक अबाउट इट, क्या आपने कभी स्कूल जाते हुए कोई अनोखी चीज़ देखी तो उसके बारे में बात करो या बताओ। आंसर, यहाँ पर मैंने लिखा है यस, वन डे आई सॉ एन एलिफेंट ऑन द रोड वाइल गोइंग टू स्कूल, मैंने एक एलिफेंट देखा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपने देखा होगा, जैसे कि कैमल या कोई स्ट्रेंज ट्री या फिर फ्रॉग लिख सकते हैं। आपने जो भी देखा होगा अनोखी चीज़ जो आपको अनोखी लगी होगी तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है से अलाउड, जोर से बोलो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि राइमिंग वर्ड्स हैं, पैडल सैडल क्रेडल डाउन क्लाउन साउंड राउंड स्कूल पूल रूल कूल और टूल। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर में है पैडल, तो इसका मीनिंग होता है चप्पू। पैडल मींस चप्पू जो कि बोट चलाने के लिए यूज किया जाता है। सैडल, सैडल है जो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए सीट लगाई जाती है, उसे सैडल बोलते हैं। CREDLE क्रेडल, क्रेडल होता है बच्चों का झूला। DOWN डाउन, डाउन मीन्स नीचे। CLOWN क्लाउन, क्लाउन मीन्स जोकर। SOUND साउंड आवाज़। ROUND राउंड गोल। SCHOOL स्कूल विद्यालय। POOL पूल, पूल जैसे वाटर पूल होता है जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है उसको बोलते हैं पूल। RULE रूल, रूल होता है नियम। COOL कूल ठंडा। TOOL टूल औजार। नेक्स्ट है लेट्स कलर, फाइंड द शेप्स एंड कलर देम। यहाँ पर एक पिक्चर दी है और कुछ शेप्स दिए हैं, आपको उनको ढूंढना है और इनमें कलर करना है। सो चिल्ड्रन, आज हमने चैप्टर पढ़ा हल्दीज एडवेंचर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।